हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं किसी टॉपिक का, केमिस्ट्री के किसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज एक जनरल बात कर रहा हूँ स्टूडेंट से। अब जैसे आईआईटी जेई मेन 2020 का जो जनवरी अटेम्प्ट है, बहुत क्लोज है। आई थिंक हार्डली 7-8 डेज आर लेफ्ट। तो ये सम पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड टू माई स्टूडेंट्स, मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो लेक्चर्स देख करके पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है ये। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ कहना चाहूँगा और आप उनको फॉलो करें तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। तो क्या पॉइंट्स हैं? जैसे अब एक हफ्ता या 8 दिन बचे हैं, तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट वी शुड फॉलो नाउ? तो डूज एंड डोंट्स फॉर आईआईटी जेई मेन हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जैसे मैं एक बात आपको ये कहूँ, अब हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो सकता है कोई स्टूडेंट थोड़ा सा कम प्रिपेयर्ड हो, उसके कुछ चैप्टर छूट भी गए हों या कुछ चैप्टर उसके उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हों। मैं उन दोनों के लिए ही बात कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक दो चैप्टर, तीन चैप्टर छूट गए हैं किसी एक सब्जेक्ट से, या इवन तीनों सब्जेक्ट में दो दो चैप्टर छूट गए हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप अगर एक मॉडेस्ट रैंक गेन करना चाहते हैं, सम 3000 to 5000 रैंक, ये एक ठीक रैंक मानी जाती है आईआईटी जेई मेन में। ऑफ कोर्स AIR 1 इज द बेस्ट, बट नॉट एवरीबडी कैन गेट AIR 1। बट एक हम जनरल बात करें कि 3000 से 5000, 6000 की रैंक अगर हमारी जेई मेन में आती है, तो हम जनरली मान के चलते हैं कि हमें अच्छे एनआईटीज मिल जाते हैं, एक्सेप्ट लाइक एनआईटी त्रिची और एनआईटी वारंगल इन कंप्यूटर साइंस, वेर यू नीड द रैंक विद इन 1000 और इवन नियरली 1000 रैंक। तो हम अगर 3 से 5 हजार की रैंक के आसपास को एम करें, तो फिर आपका सब कुछ पढ़ा होना जरूरी हो ऐसा नहीं है। अगर आपके दो तीन चैप्टर छूट भी गए हैं, तो आपको ने जो पढ़ा हुआ है वो अच्छे से आप रिवाइज करके जाओ, जो पढ़ा है आपने वो एक कंसोलिडेट करके जाओ, आपका एग्जाम अच्छा होगा। इसके अलावा अब चूंकि 7-8 दिन बाकी हैं, बहुत एग्जॉस्टिव चीजें नहीं करने की जरूरत नहीं है। मैं जो पॉइंट्स लिखने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं, मैं वो लिख भी देता हूं। फॉर लास्ट 8-10 डेज, 8 to 10 डेज नाउ, फॉर जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट 2020 अटेम्प्ट के लिए, तो 8 से दिन 10 दिन बचे हुए हैं, तो व्हाट टू डू नाउ? तो माय पॉइंट इज दैट डू नॉट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करें। अगर कोई टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है, आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, अब स्टार्ट नहीं करें, लिव इट नाउ, लिव इट नाउ एंड टेक इट, एंड टेक इट फॉर अप्रैल अटेम्प्ट नंबर एक। नंबर दो पॉइंट, अब आपने जो पढ़ा हुआ है वो अच्छे से पढ़े हैं, जिसके अंदर एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। अब एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2019 के पेपर देख लो आप, 2019 के जनवरी अटेम्प्ट एज वेल एज अप्रैल अटेम्प्ट, दे हैव आस्क्ड मैनी क्वेश्चन डिट्टो फ्रॉम द सेम लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज से उठा के इन्होंने क्वेश्चन बनाए। मान लो कोई जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन से ही वो कोई पैराग्राफ लेंगे, उसमें से ही कोई स्टेटमेंट लेकर के वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और चूंकि 16 पेपर बनाने होते हैं एनटीए को, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट को, तो उन्हें भी तो क्वेश्चन चाहिए, तो उन्हें भी क्वेश्चन चाहिए, तो फिर वो क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चन चाहिए, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट एक्सक्लूसिवली सर्च द क्वेश्चंस और मेक क्वेश्चंस फॉर जेई मेन। तो फिर वो क्वेश्चंस क्या करेंगे, रेडीमेड उठाएंगे आइदर फ्रॉम सम स्टैंडर्ड बुक्स और फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से भी वो क्वेश्चन बनाते हैं, इस तरीके से वो एनसीईआरटी को प्रमोट भी करना चाहते हैं, जो उनका एक एक तरीके का एजेंडा भी है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें. एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक. यू हैव टू रीड पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट. यू हैव टू रीड कंप्लीटली. फिजिकल भी पढ़ना चाहिए आपको, तो लाइन बाय लाइन. मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा कोई कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ी है और एनसीईआरटी बढ़िया से घोट के गया है ना, तो कंफर्टेबली कैन गेट 8 to 10,000 रैंक इन जेई मेन. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा ध्यान देंगे. एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक. दे हैव आस्क्ड ऑलरेडी क्वेश्चंस फ्रॉम इट एंड दे विल आस्क नाउ ऑल्सो. एनसीईआरटी से भी मैं एक बात और बता दूं, आपका जो प्रैक्टिकल मैनुअल है प्रैक्टिकल मैनुअल 11th एंड 12th क्लास के लिए, प्रैक्टिकल मैनुअल से उन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. अभी 2019 में ही जैसे मैं बता दूं, एक क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने रिटार्डेशन फैक्टर पे पूछा. रिटार्डेशन फैक्टर पे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने. ये एक प्रैक्टिकल है, रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ क्रोमेटोग्राफी. आपको याद भी आ रहा होगा अगर आपने ये प्रैक्टिकल अपने स्कूल की रिक्वायरमेंट के लिए किया होगा 12th क्लास में, तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सब होते हैं. रिटार्डेशन फैक्टर एक टर्म होता है. उन्होंने सिंपल एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया. अगर किसी को वो नहीं आता होगा, प्रैक्टिकल मैनुअल नहीं पढ़ा होगा, तो प्रोबेबली दे विल नॉट बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. हाउएवर दिस रिटार्डेशन फैक्टर इज ऑल्सो मैंशनड इन एनसीईआरटी ऑल्सो. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था. और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे प्रैक्टिकल मैनुअल में एक इन्होंने मैंशन किया हुआ है एग एल्बुमिन का कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, एंड द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई 2019, आई थिंक अप्रैल अटेम्प्ट दे हैड आस्क्ड कौन सा एग एल्बुमिन का कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन सॉल्यूशन प्रिपरेशन, मैं लिख भी रहा हूं ताकि आपको याद रहे, कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपरेशन ऑफ एग एल्बुमिन. और बहुत ही आसान सवाल था, तो प्रैक्टिकल मैनुअल से तो आया ये क्वेश्चन. नॉट ओनली दैट, अनदर पॉइंट मे बी इंपॉर्टेंट, लाइक ये तो क्वेश्चन पूछे ही उन्होंने, आस्क क्वेश्चंस ऑन इन जेई मेन 2019, इसने पूछे हैं इन्होंने. अच्छा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड क्या है. जैसे ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल में अगर आपको याद हो तो आप टाइट्रेशंस करते हो. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 11th क्लास में जब आप टाइट्रेशन करते हो तो उसमें एक टाइट्रेंट होते हैं. टाइट्रेंट भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी टाइट्रेंट एंड सेकेंडरी टाइट्रेंट. तो प्राइमरी टाइट्रेंट, सेकेंडरी टाइट्रेंट. प्रैक्टिकल मैनुअल के अंदर ये दिए हुए हैं प्राइमरी टाइट्रेंट्स के बहुत कॉमन एग्जांपल, जैसे K2Cr2O7, मोहर सॉल्ट, हाइपो एटसेट्रा. जबकि सेकेंडरी टाइट्रेंट में फॉर एग्जांपल KMnO4 या फिर KOH का सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन एटसेट्रा, ये सब सेकेंडरी टाइट्रेंट होते हैं. तो सेकेंडरी टाइट्रेंट को स्टैंडर्डाइज करके ही तब यूज कर सकते हैं हम एज ए टाइट्रेंट. तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है प्रैक्टिकल मैनुअल्स में 11th क्लास में टाइट्रेशन में. आई थिंक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क दिस 2020, सो दे मे आस्क. सो रीड इट, प्राइमरी टाइट्रेंट के एग्जाम्पल्स, सेकेंडरी टाइट्रेंट के एग्जाम्पल्स एंड सम टाइट्रेशंस. तो एक तरीके से जो मैं बात कह रहा था, प्रैक्टिकल मैनुअल जरूर पढ़ के जाएं स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड रीड प्रैक्टिकल मैनुअल्स. वहां से भी हो सकता है कि 25 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपका आ जाए. इसके अलावा जैसे मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करूं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं मैंने एनालिसिस किए, मान लो जब तो 30 क्वेश्चंस थे, अब पैटर्न चेंज हुआ है 25 क्वेश्चंस है, तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस इन से केमिस्ट्री की बात करें हम, एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 15 क्वेश्चंस डैमेजी. मैं उसके बेसिस से बता रहा हूं जो इन्होंने 2019 में पूछा है और पहले पूछते रहे हैं.
15 questions will be damn easy. Some 6 to 7 questions will be moderate. Or lagbhag 3-4 questions may be tough. But tough means not very tough. बहुत टफ नहीं, मतलब ये टफ को मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये मेंस के लिए टफ हो सकते हैं, बट आईआईटी एडवांस में ये एक मॉडरेट क्वेश्चंस में काउंट होंगे। तो 15 क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, डैम इजी एकदम। 6 से 7 क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे। ये 15 क्वेश्चंस तो ऐसे हो सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हूँ या डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड हूँ, एनसीईआरटी में से उठाए हुए हूँ। 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कॉन्सेप्चुअल कुछ एप्लीकेशन लग रहा होगा, और 3-4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके क्वेश्चन बना सकते हैं, या किसी चैप्टर का एप्लीकेशन क्वेश्चन के एप्लीकेशन से फिर दूसरा एप्लीकेशन डिराइव करवा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होते हैं। तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? ऑल 15 सच क्वेश्चन यू शुड डू, ऑल 15। 6 से 7 क्वेश्चंस, इसमें से भी कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और 3 से 4 में से भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, इफ यू डू, मान लो आप 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और आपके 20 सवाल सही हो जाते हैं, तो इट विल बी ए गुड वन, इट विल बी ए गुड वन टू गेट द रैंक ऑफ सम 2000, 3000, 4000 रैंक। तो माई असेसमेंट इज आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, इफ योर फॉर एग्जाम्पल 61, 62 क्वेश्चन आर करेक्ट, देन यू आर गोइंग टू गेट द गुड रैंक एंड यू विल गेट द मार्क्स इन द ऑर्डर ऑफ नियरली से आउट ऑफ 300। नाउ मे बी 270, 265, 265, 260, 270 मार्क्स इफ यू गेट, आई थिंक द रैंक ऑफ 1000, 1500, 2000 कुड बी पॉसिबल। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर and the relative performance of the students. So this is what going to be the level of the questions in the JEE Main 2020. तो मेरी तरफ से ये कुछ एक पॉइंट्स थे, एक जनरल एनालिसिस था। कुछ नया नहीं पढ़े हैं अभी, जो पढ़ाया उसे रिवाइज करें अच्छे से। अब रिवीजन नहीं करोगे तो ये तो वैसी बात हो गई कि आपने खा तो खूब लिया, उसको पचाओगे नहीं तो फिर वो उसका यूज कैसे आएगा। तो पॉइंट वही है, जो पढ़ा है वो रिवाइज करके जाएं, कॉन्फिडेंट होकर के जाएं, कंसॉलिडेट होकर जाएं और एनर्जेटिक होकर जाएं कि यस आई कैन डू इट एंड रियली यू कैन मेक इट। आईआईटी मेन इज ए वेरी सस्ता सा एग्जाम है भाई, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आपसे बड़ा थोड़ी हो जाएगा ये। तो इट यू जस्ट विन, यू विन ओवर इट, नॉट लेट दिस एग्जाम विन ओवर यू एंड यू आर गोइंग टू गेट द गुड मार्क्स। बिलीव बिलीव मी, यू आर ऑल गोइंग टू गेट द गुड मार्क्स। हैव बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट बी कॉन्फिडेंट, और इन 6-7 दिनों का बढ़िया सा उपयोग कीजिए। दैट इज माई लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर दिस जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट 2020। मेरी तरफ से यही था। ऑल द बेस्ट टू माई स्टूडेंट्स एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर, विच इज आफ्टर 2-3 डेज। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।